दुनिया जानती है, भारत के जवान ऐसे कई मौकों पर अपने वीरता के परचम लहराते हैं जिन्हें हर कोई याद रखता है। भारत के कई कमांडो की टोली है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है, मगर इन सब में गरुड़ कमांडो को सबसे खतरनाक माना जाता है। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की एक विशेष टुकड़ी है जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। ये आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर मारने के कारनामे करती है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले में इस सेना ने एक अहम किरदार निभाया था। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग काफी सख्त होती है, इसलिए इन्हें आतंकवादियों का काल कहा जाता है। गरुड़ कमांडो ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इनमें वे अब तक लगभग 3500 से ज्यादा आतंकवादियों को जन्नत भेज चुके हैं। इस सेना को हर परिस्थिति में लड़ने और जीतने के लिए तैयार किया जाता है। ये हमेशा आधुनिक हथियारों से सजे हुए रहते हैं जिनका उपयोग ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गरुड़ कमांडो से प्रशिक्षण लेने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों के सैनिक आते हैं। आर्मी के पैरा स्पेशल कमांडो व नेवी के मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स की तरह वर्ष 2004 में तैयार की गई एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो भी काफ़ी खूंखार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। कुछ महीने पूर्व ही सेना ने घाटी में अपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में गरुड़ कमांडो फोर्स को शामिल किया था। इस फोर्स की ज़रूरत तब महसूस की गई जब 2001 में आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर में दो एयरबेसों पर हमला किया। इस फोर्स की ट्रेनिंग नेवी और मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। इसमें एयरबोर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।